हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं पीएलएस पीएम के बारे में। ये एक आर का पैकेज है, पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर पाथ मॉडलिंग, जो डॉक्टर गैस्टन सांचेज ने बनाया है। अभी तक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं मीडिएशन के बारे में, मॉडरेशन के बारे में, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के बारे में। आज हम बात करते हैं होमोजेनिटी के बारे में। होमोजेनिटी का मतलब ये है कि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमारा जो डाटा सेट है वो सारा एक जैसा है, इसीलिए उसका हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता कि जनरलाइजेशन मतलब हो पाएगा, डाटा एक जैसा है? तो इसके दो तीन अलग अलग तरीके आते हैं। पहला तरीका तो इसका ये बनता है कि आपका जो भी मॉडल है, मतलब यहाँ बेसिकली हम सैंपल की बात कर रहे हैं, कि सैंपल में कुछ तो होती है हमारी, पता ही है हमें, ऑब्जर्व्ड हम बोलते हैं उसे, हेटरोजेनिटी। जैसे जेंडर के बेस पे लोग अलग हैं, इनकम के बेस पे अलग हैं, रीजन के बेस पे अलग हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, क्वालिटी, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर हमें पता हो तब तो ये बच जाता है एमजीए की तरफ, मल्टी ग्रुप एनालिसिस की तरफ। लेकिन बहुत बार हमें पता नहीं होता। जैसे मेरी क्लास के स्टूडेंट्स सब लगभग एक ही क्लास के हैं, एक ही कोर्स में हैं, एज ग्रुप भी सबका सेम होता है, इंटरेस्ट हॉबीज भी सेम होते हैं, तो डेमोग्राफिक्स तो सेम होते हैं। तो इन दैट केस वहां पे यूज किया जाता है साइकोग्राफिक्स। तो साइकोग्राफिक्स के बेस पे अब आया कि फिर आप क्लस्टर एनालिसिस यूज कर लीजिए। तो क्लस्टर एनालिसिस में एक बेसिक प्रॉब्लम ये है, पहला तो वो बोलता है कि कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है। हमने लोगों से कुछ स्टेटमेंट ली, उनमें से जो डी निकाल लेते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस, जितना डी कम उतने एक जैसे, और उनके हम क्लस्टर बना देते हैं। लेकिन जब हमारे पास डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, तो ये एक अलग तरीका है इसका। तो यहां पे हम पहुंच गए कि जब हमारा नॉन क्लस्टर्स नहीं है, मल्टी ग्रुप नहीं लगेगा, क्लस्टर एनालिसिस नहीं लगेगी क्योंकि स्ट्रक्चरल मॉडल है हमारा, तो यहां पे दो अप्रोच आती हैं। पहली अप्रोच है फाइनाइट मिक्सचर रिग्रेशन, जिसे फिमिक्स बोलते हैं, स्मार्ट पीएलएस इस पे काम करता है। और दूसरा है रीबस। रीबस का मतलब है रिस्पॉन्स बेस्ड यूनिट सेगमेंटेशन, RBUS, रिस्पॉन्स बेस्ड यूनिट सेगमेंटेशन। तो जो पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर मेथड है ये काम करता है रीबस के ऊपर। तो आइए इसमें क्विकली देखते हैं, बहुत छोटा सा ये, कुल मिला के दो तीन ही इसमें फंक्शन है। तो मैं रिक्वायर कर लेता हूँ पीएलएस, और डेमो फाइल मैंने अटैच की हुई है यहाँ पे, दोबारा अटैच कर देता हूँ। ओके, इसको मिनिमाइज कर दें। तो यहाँ मैं अपना मॉडल बनाता हूँ। सबसे पहले तो क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी, एंड लॉयल्टी लीड्स टू नन। तो क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी रो वाइज बाइंड कर दिया मैंने इनको। कॉलम नेम अगर मैं यहां तक देखूं, व्हाट इज एक्स, तो ये है एक्स जो मैंने बनाया, ये इक्विवेलेंट टू जो हम डायग्राम बनाते हैं स्मार्ट पीएलएस में। तो कॉलम नेम्स, यहां रो के तो नाम है, कॉलम के नाम नहीं है, तो मैंने कॉल नेम्स दे दिए। अब देखें एक्स को, अब एक्स में कॉलम के भी नाम है, और इनका एक इनर प्लॉट बना देते हैं। तो मैं देख लेता हूं क्या मेरा यही है क्या। क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी लीड्स टू लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी। सो सेटिस्फैक्शन इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन क्वालिटी एंड लॉयल्टी। ओके, डाटा फाइल में कहाँ कहाँ पर है क्वालिटी, 7 से 12, 18 से 21, 13 से 17। सो ये मेरी एक आउट होगी, और मैं XX1 में पीएलएस का आउटपुट को ले लेता हूँ। एक बार क्विकली आउटपुट को देख लें इससे पहले कि हम होमोजेनिटी की तरफ जाएं। क्लियर। और समरी, पीएलएस पीएम हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी समरी देख लेते हैं। आइए क्विकली गो थ्रू होते हैं। 100 का सैंपल है, 3 लेटेंट वेरिएबल है, 15 मैनिफेस्ट वेरिएबल है यानी इंडिविजुअल स्टेटमेंट, स्टैंडर्डाइज इसमें मैंने कोई बूटस्ट्रैपिंग की नहीं है। क्वालिटी में 6 स्टेटमेंट हैं, तीनों हमारे ए, मोड ए का मतलब है तीनों रिफ्लेक्टिव हैं, और क्वालिटी एक्सोजेनस है। सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी में एटलीस्ट एक इनकमिंग एरो है, तो ये एंडोजेनस है। हमारी अल्फा सबकी ठीक है, रो ठीक है, हमारा आइगन वैल्यू एक से ज़्यादा, फर्स्ट और सेकंड एक से कम, ठीक है, यूनिडायमेंशनलिटी है। आइटम वाइज देखें, लोडिंग, ये लोडिंग है, और इसका स्क्वायर यहाँ पर है। स्क्वायर कोई 0.5 से कम एक है यानी 0.7 से कम, पर क्योंकि एवरेज काफ़ी ठीक लग रहा है, बाकियों का एवी ठीक आ जाएगा, वी कैन रिटेन इट। इसी तरह से सेटिस्फैक्शन में देख लेते हैं, 0.8 है ना, कम लग रहा है, हालांकि सेटिस्फैक्शन 1 का ये भी 0.4, 0.69, तो एवी से पता लगते हैं। हालांकि प्रोफेसर हेयर तो बोलते हैं किसी का भी 0.708 से कम हो, जैसे ये वाला, जैसे ये वाला, इनको तो डिलीट ही कर देना चाहिए। ओके, क्रॉस लोडिंग क्वालिटी का क्वालिटी में सबसे ज्यादा, बाकियों में कम, सेटिस्फैक्शन का सेटिस्फैक्शन में सबसे ज्यादा, लॉयल्टी का लॉयल्टी में सबसे ज्यादा। इनर मॉडल,
जो आपस में स्ट्रक्चरल रिलेशन बता रहा है, ये कोरिलेशन आ गया। 0.6 थोड़ा सा ज़्यादा है सेकंड ऑर्डर के लिए बता रहा है ये। ए बी 0.665, तीनों ही ओके हैं। आर स्क्वायर 1954%, इट्स ओके। ब्लॉक कम्युनिटी हमने बात की थी कि जितना हमारा ये जो बीटा है, बीटा के स्क्वायर को ही ब्लॉक कम्युनिटी बोलते हैं और उसी को ए बी बोलते हैं। रिडंडेंसी का मतलब है इनमें से कोई एक स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट 12% एक्सप्लेन कर रही है और मिलके 19% है। 31% लॉयल्टी की एक एक हर एक स्टेटमेंट मिनिमम 31% एक्सप्लेन कर रही है, मिलके 54, दैट्स ओके। गुडनेस ऑफ फिट के अब हम बात करेंगे, ये हमारा ओवरऑल मॉडल है, सारे ठीक लग रहे हैं। ओके, तो अब हम यूज करते हैं रीबस। रीबस का मतलब है अगर इसमें किसी तरह के कोई ग्रुप हो उसको बता दें। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एक्चुअली, मतलब स्मार्ट पीएलएस में जब हम करते हैं तो आपको 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप ऐसे सारे बनाने पड़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक ही बारी में। तो ये पूछेगा कि कितने ग्रुप बनाऊं और रन करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो पीएलएस पीएम का जो आउटपुट है उसको रीबस में डाल दिया, यानी XX1 को इसका आउटपुट मैं XX2 में ले रहा हूं। जो पीएलएस पीएम का आउटपुट है वो XX1 में डाला और रीबस का आउटपुट XX2 में डाल रहा हूं। रन, तो अब ये पूछ रहा है एंटर द नंबर। लेट्स अज्यूम के यहां मैं 3 कर देता हूं एक बारी। तो ये क्या है, ये पूछ रहे कि कितने सेगमेंट हो आपके उसमें। तो एक से तो ज्यादा हो, एक तो बाय डिफॉल्ट ही है, तो 2, 3, 4 आप कोई भी एक नंबर जैसे 4, 5 डाल दीजिए। नंबर कैसे डालें इसका एक तरीका ये माना जाता है कि आप ये देखिए मिनिमम सैंपल साइज कितना होना चाहिए क्लस्टर में। या तो आप इफेक्ट साइज वगैरह से कंप्यूट कर लें, या फिर आप अपना देख लें कि भाई एक कम से कम 50 का तो हो मीनिंगफुल, तो जितना सैंपल है डिवाइडेड बाय दैट। मेरा यहाँ पे टोटल सैंपल फाइल में 100 का है, तो मैंने 3 कर दिए कि कम से कम 30 का तो हो, ठीक है। सो रीडिंग वन आइटम, ये अपने कैलकुलेशंस कर रहा है और इसके आउटपुट को ये XX2 में डाल देगा। ओके, आगे जब आगे तो क्लियर। और मैं अब XX2 का आउटपुट देख लेता हूँ। तब आप ये देखिए, ये वही है, 3 स्टॉक क्राइटेरिया इटरेशंस वगैरह हैं। पहले में इसने बनाए 45 आइटम्स, दूसरे में 17, तीसरे में 38, क्योंकि 100 का सैंपल है तो यहाँ परसेंटेज भी सेम ही रहेगा। क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फेक्शन, फर्स्ट ग्रुप में है -0.4, दूसरे में है 9.2, नंबर एक से डबल हो गया। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग है, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती है सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है पहले ग्रुप में, शॉकिंग, माइनस है ना साइन। दूसरे ग्रुप में बहुत ही ज्यादा है, तीसरे में ज्यादा है। क्वालिटी लीड्स टू लॉयल्टी, ये ठीक है, यहाँ तो एक से भी ज्यादा हो गया, ये खुद में अपने आप एक रिवर्स है। सेटिस्फेक्शन लीड्स टू लॉयल्टी, ग्रुप 2 बोल रहा है अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हम लॉयल नहीं होंगे, बहुत ही अजीबोगरीब रिजल्ट है। लेकिन आपने देखा, अगर मैं ये कहूं कि मेरे कोई ग्रुप नहीं है तो ओवरऑल एक रिजल्ट आएगा इस सारे का। लेकिन अब हमें पता लगा इनका बिल्कुल अलग है, इनका अलग है, इनका बिल्कुल अलग है। ओके, लोडिंग वगैरह हर एक की अलग अलग निकाल दी इसने, आप ए वी वगैरह निकाल सकते हैं, एवरेज कॉमी सारे आगे उनके आर ई डी आर स्क्वेयर। पहले में आर स्क्वेयर 17% है, दूसरे ग्रुप का 86% है सेटिस्फेक्शन का, शॉकिंग, तीसरे का 67, पहले का लॉयल्टी 58% आर स्क्वेयर, सेकंड का 94, थर्ड का 55। तो कैसे पता लगे हम कितने क्लस्टर रखें, ये पता लगता है जीओएफ से, गुडनेस ऑफ फिट से, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा उतने क्लस्टर। तो 2 की यहां पे लग रहा है, 0.8 है ना, इसकी कम है, तो हम मानेंगे कि 2 क्लस्टर हमारे पास होने चाहिए यहां पे, राइट। तो अभी मैंने 3 लिया है, हम इसको दोबारा 2 कर सकते हैं। अब क्या करें नेक्स्ट, लॉजिकल ये होगा कि ओके फिर हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग रन करें डाटा, बताओ कैसे रिजल्ट आ रहे हैं हर क्लस्टर के लिए अलग अलग। ये तो एक समरी दे दी ना डिटेल में, उसके लिए हम यूज करते हैं लोकल मॉडल। तो मैंने यहां डाला लोकल मॉडल XX1 जो PLSPM से आया था, XX2 जो रीबस से आया, और इसको जेड में मैं सेव कर लेता हूं। और जेड का जो आउटपुट है इसमें बहुत सारी चीज आती है जेड में। तो देखिए जेड डॉलर लगाने से ये ग्लोबल मॉडल आ रहा है, ग्लोबल मॉडल भी देख लेते हैं एक बारी यहां पे। तो समरी कर देता हूं मैं इसकी, समरी ये तो है अगर पूरे 100 का रन करें तो। तो ये देख लीजिए पूरे 100 का अगर हम रन करें, मैं एक बार क्लियर करके दोबारा रन कर देता हूं। ओके, पूरे 100 का जो शुरू में हम देखा था अल्फा एवी सारे मिला के ये सारा आ गया। एवी ठीक है, क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन पे 0.44 है इफेक्ट, और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है यहाँ, ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग से पी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है 45 का, उसको जब मैंने रन किया तो यहां मैंने किया है LOC मॉडल 1,
तो इससे जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया, देखें इसका क्या आया है। पहले के अंदर 45 हैं, 3 लेटेंट वेरिएबल हैं, 15 हैं, वो सारा ठीक है। आइगन वैल्यू एक तो यही थोड़ी सी ड्यूबियस आ रही है, अल्फा 0.7 से ज़्यादा, 6965 है, डी जी रो 0.7 से ज़्यादा है। लोडिंग ए भी देख लेते हैं हम कितनी आ रही है हमारी, 0.4, ये थोड़ा इश्यू है, कुछ स्टेटमेंट हटानी पड़ेंगी, ये भी काफ़ी कम है इसकी। ओके 1758% और नेगेटिव है, ये 45 लोगों का है। मॉडल टू को रन करके देखें, मॉडल टू को रन करने पे हमारे पास आया, इसमें 17 ही लोग हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इसकी आइगन वैल्यू थर्ड में लॉयल्टी में दिक्कत लग रही है क्योंकि यहाँ ज़्यादा आ रही है। अल्फा ठीक है, डी जीरो ठीक है, ए वी ई तीनों की ठीक है इसमें। ओ, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी 0.9, ये तो बहुत ही हाई है, लॉयल्टी से तो बहुत ही ज़्यादा हाई आ रहा है इनका। तो जो बीटा है 17 लोगों का, पता नहीं क्या दिया है, सेटिस्फैक्शन का R² 8.6, लॉयल्टी का 9.49, ये तो ऑलमोस्ट अमेजिंग ही हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डायरेक्ट इफेक्ट और वो भी एक से ज़्यादा, ये तो खुद में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। पर एक चीज़ तो है, डाटा में ग्रुप तो है हमारे, होमोजीनियस नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग। थर्ड को भी देख लेते हैं, वैसे तो हमें दो ही ग्रुप रखने चाहिए, तो थर्ड के अंदर हमारे 38 लोग हैं, दूसरे में 17 थे, पहले में 45, दूसरे में 17, थर्ड में 38। और अल्फा इसका तो बहुत ही कम अल्फा है, 4.78, तो और यहाँ पे भी दिक्कत है। और ए वी ई 6 सेकेंड की सेटिस्फेक्शन में फिर से दिक्कत है, और इसके बिल्कुल अलग रिजल्ट है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ये इतने जो अलग अलग आ रहे हैं रिजल्ट, तो एक बारी मैं यहाँ पे भी एक बार डॉलर लगा के देखूँ, इसमें से हम पाथ कोफिशियंट है, लोडिंग है, सेगमेंट है, ओरिजिनल क्लास एक्सेट्रा, तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ग्रुप हैं और इन 3 ग्रुप के अंदर उन तीनों के रिजल्ट, आप तो ऑब्वियसली इस पर तो मुझे 2 ही रिपोर्ट करने चाहिए, तो मैं बता दूंगा कि 2 हैं। तो मैं एक बार क्विकली इसको यहाँ पे कर लेता हूँ रिवर्स, X2 को, और इसके 2 ग्रुप को मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये क्लस्टर का डायग्राम भी देता है कि ये डायग्राम है, तो ऊपर से अगर आप देखें, एक ये क्लस्टर है, एक ये है। अगर आपको क्लस्टर एनालिसिस का आइडिया है, डेंडोग्राम का आइडिया है, तो ये 2 क्लस्टर हैं, और अगर थोड़ा सा नीचे देखें तो ये 3 क्लस्टर, ये एक, ये वाला 2, ये 3। तो इनका ये इसने 3 पे मैंने चेक किया था, तो अब ये बता देगा 2 क्लस्टर के हिसाब से क्या आएगा। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं, लोकल मॉडल तो सेम रहेगा, रन कर देते हैं समरी, ये ठीक है। 1 1 के अंदर अब हमारे केस इसने किए हैं 37, और 2 के अंदर हमारे केस होंगे 63 होने चाहिए यहाँ पे, सो 63, और इन दोनों को आप साइड बाय साइड रिपोर्ट कर देंगे। अब सिर्फ हमारे पास एक काम रह गया है, वो ये देखना कि कौन सा पर्सन किस में गया। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो रीबस पे मैंने निकाला है, इसी का एक अलग से है दिस, आपको याद है जब भी हम ये लगाते हैं डॉलर, तो इसके अंदर की चीज़ें आ जाती हैं कि इस X2 के अंदर क्या क्या अलग अलग अवेलेबल है, पाथ कोफिशियंट है, लोडिंग है, एक्सेट्रा, ये है। तो यहाँ एक है सेगमेंट, तो सेगमेंट में कर देता हूँ, ये हमारा आ गया स्कोर, जो फर्स्ट पर्सन है वो 2 नंबर में गया, पहला, दूसरा 1 नंबर में, तीसरा 1 नंबर में, चौथा 1 नंबर में, एंड सो ऑन। इस चीज़ को मैं सेव कर सकता हूँ मेरे बाहर, इसको हम एक्सेल की फाइल में ले सकते हैं, और फिर उन पर्सन्स को हम देख सकते हैं, लाइक रिस्पोंडेंट नंबर 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सब के अंदर क्या कॉमन है, 2 ग्रुप है ना, तो क्लस्टर एनालिसिस में जैसे हम करते थे कि इनके अंदर क्या कॉमन है, क्यों ये एक ग्रुप में है, कॉमनलिटी क्या है, तो डेमोग्राफिक्स के बेस पे कर सकते हैं, कुछ और बेस पे, जो भी आपको लगे उसको आप रिपोर्ट करें, और दोनों ग्रुप के सेपरेट सेपरेट आप करें कि मीडिएशन मॉडर, ये 2 अलग अलग ग्रुप हैं। सो ये आपको हमेशा रेफर करना चाहिए। अभी प्रोफेसर हेयर का एक पेपर आया है रोबस्टनेस चेक वगैरह के बारे में, वो लिखते हैं कि आप जब भी अपने रिजल्ट डालें, आपके लिए एडवाइजेबल है, आप चेक करें कि आपका डाटा होमोजीनियस है क्या, क्योंकि हम सभी मान के चलते हैं होमोजीनियस है, पर एक बार ये देख लेना चाहिए होमोजीनियस है या नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बताइए कि ये अलग अलग तरह के ग्रुप मिले और ऐसे ऐसे रिजल्ट आए, दैट्स परफेक्टली ओके, प्रॉपर यूज करें। स्मार्ट पीएलएस यूज करता है फिमिक्स पे, और पीएलएस पीएम जो आर का पैकेज है, ये काम करता है रीबस पे, रिस्पॉन्स बेस्ड यूनिट सेगमेंटेशन। सो लेट्स स्टॉप हेयर, थैंक यू।